हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो कुछ अलग रहने वाला है। आज मैं यहाँ से, मतलब अपने घर से, मम्मा के घर से जाने वाली हूँ अपने लॉस्ट प्लेस में। तो यहाँ सुबह सुबह हम हमारे घर की छत पे आ गए हैं और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ छत से क्या व्यू आता है हमारे घर का वो शेयर करूँ। तो एक तरफ आता है माउंटेन व्यू, ये है फ्रंट व्यू जहाँ पे प्यारा सा गार्डन है, एंड बिल्कुल सामने घर के शिव जी का मंदिर है। तो ये रहा छोटा सा छत वाला टूर। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और वो काम करने जा रही हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, वो है सुबह सुबह की चाय बनाना। तो यहाँ बनकर रेडी हो गई है मेरी चाय और मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। इतने भी आराम से नहीं जितना इस क्लिप में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये क्लिप मैंने स्लो मोशन में शूट कर दी, मुझे पता ही नहीं चला, जब एडिट करने बैठी तब पता लगा और मेरे पास और कोई दूसरी क्लिप नहीं थी। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे लेने जाना है हेयर कट। तो यहाँ ट्यूशा देख रही है मम्मा कहाँ जा रही है, उसके बाद बहुत रोई है, इतनी आसानी से नहीं मानी, मुझे जाने नहीं दे रही थी। फिर मेरी सिस्टर ने उसे संभाला, उसे लेके जाना पॉसिबल नहीं था, वहाँ मैनेज करना टफ होता। तो हेयर कट मैंने इस बार सोचा था ना कि जितना शॉर्ट लेंथ करना है कर दे, क्योंकि मुझे थोड़ा मेकओवर चाहिए था, लंबे बाल काफ़ी समय से रखे थे तो थोड़ा चेंज चाहिए था मुझे। हेयर कट का डिसीजन बहुत सही था, काफ़ी अच्छा बाउंस आ गया मेरे बाल में एंड मुझे ना अपना लुक थोड़ा चेंज चाहिए था। और इस हेयर कट के बाद डेफिनेटली मेरा लुक चेंज हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा ये कट मुझे। गिर जाएगा क्या? ओ बस। तो ये है नेक्स्ट डे, यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। सब कुछ सेट हो चुका है, सारे बैग्स कार में रख दिए हैं, हम लोग कार से जा रहे हैं। यहाँ से मतलब मेरे जो मम्मा का घर है वहाँ से वहाँ तक जाने में, ससुराल तक जाने में 4 आवर्स लगते हैं। हम हाईवे में ही थे और हमें अचानक दिखाई दी ये लिजर्ड हमारे विंडस्क्रीन वाइपर पे, तो वही शानू नीचे उतर के इसको मतलब भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो हम पहुंच चुके हैं ससुराल और ये है मेरा कमरा। इस रूम टूर का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप चाहते हो देखना तो उसे मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। और मैं बैग्स रख रही थी और शानू यहाँ आए तो मैं इनसे यही कह रही थी यार ये कूलर यहाँ से हटा के बाहर विंडो पर रखना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी ह्यूमिड हो जाएगा अगर हम इसे चलाएंगे। एंड ये हमारे किचन से व्यू एंड सासू माँ बना रही है रोटी गर्म गर्म और हम सब यहाँ बैठ के खा रहे थे। ऑलमोस्ट 4 बज गए थे, 3:30-4 बज गए थे घर आने में। रात हो चुकी थी, खाना वाना हो चुका, तो उसके बाद हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन आ जाते हैं फॉर अ वॉक। अच्छा लगता है, काफ़ी पीसफुल रहती है ये जगह। यहाँ हो गई है हमारी सुबह, मैं बेड बना रही थी और ट्विशा मुझसे बात कर रही थी कि मम्मा मुझे ना याद आ रही है नानू की, नानी की, और वो अपनी मौसी, मतलब ई बोलती है अपनी मौसी को, तो ई की बहुत याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना। तो उसे मैं यही समझा रही थी कि कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो कुछ दिन, यहाँ खेलो, उसके बाद हम यहाँ से वापस इंदौर जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे किचन आ जाती हूँ दोनों का ब्रेकफास्ट बनाने। मैं ब्रेकफास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, दोनों को मैं ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ दूध और कॉर्नफ्लेक्स। तो ना
शहर अपनी जगह अच्छा है, बट गांव में अपना एक अलग मज़ा है, बहुत सुकून है, बहुत शांति है, अच्छा लगता है। ये घर थोड़ा पुराने स्टाइल में बना हुआ है, तो इस घर में रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुराने स्टाइल में किचन बना हुआ है, फ्यूचर में रेनोवेट होगा, बट जब तक हम इसे इन्जॉय करेंगे मुझे अच्छा लगता है। फॉर अ चेंज यहाँ आकर अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बोर हो जाती हूँ यहाँ आके मैं, बट ठीक है, फॉर अ चेंज अच्छा लगता है मुझे यहाँ। तो मैं यहाँ हमेशा को यू नो बाहर रोड दिखा के, सामने रोड दिखती है, क्योंकि ये घर मार्केट प्लेस में है, तो उसे मैं बाहर यू नो एंटरटेन करके खाना वाना नाश्ता कराती रहती हूँ। और यहाँ पे दोनों ना कैलेंडर पलट कर दिख रही थी कि नेक्स्ट पिक्चर क्या है। बचपन में हमें भी ऐसा करने में बड़ा मज़ा आता था। तो आज घर पे कोई था नहीं, सबका लंच बाहर था, तो यहाँ पे मैं मेरे लिए ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका था, सिर्फ भिंडी बनाना बाकी थी, तो मैं भिंडी बना रही थी। और किचन पे एक विंडो है जहाँ से यू नो पूरा घर दिखता है, एक के बाद एक रूम है, तीन चार रूम है, फिर हॉल है, तो वो पूरी जो बीच की लॉबी है वहाँ पे दोनों ने अपनी पैंडा कार चलाती रहती, तो मैं इसी यहाँ से देखती रहती हूँ, बीच बीच में चेक करती रहती हूँ कि क्या कर रही है क्या नहीं। तो यहाँ मैं सब्ज़ी को तड़का लगा ही रही थी, इतने में मेरी मदर इन लॉ आ गई, तो उन्होंने कहा जाओ रेडी हो जाओ, नहा धो लो, त्रिशा को भी रेडी कर दो, उसके बाद लंच ले लेना, नहीं तो लेट हो जाएगा। एंड रोटी वो बनाई, काफ़ी यम्मी रोटी बनाती मेरी मदर इन लॉ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।